हेलो नमस्कार दोस्तों, करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद चतुर्वेदी एक बार फिर से अपने इस सेशन में अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि देखते हैं पहले कोल क्रॉप्स क्या हो। वो कोल क्रॉप्स की पहली क्रॉप है जो है कलीफ्लावर, जिसको कहते हैं हिंदी में फूल गोभी। तो आइए देखते हैं कि फूल गोभी की खेती सबसे पहले इसे इंग्लिश में बोलते हैं कलीफ्लावर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है या वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया, फिर बात आती है कि इसकी फैमिली क्या होती है, फैमिली या कुल। तो फैमिली इसकी होती है या ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, फिर बात आती है इसमें क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है या तो 2n बराबर 18 पाई जाती है। उसके बाद बात आती है कि ओरिजिन प्लेस या जन्म स्थान, तो जन्म स्थान इसका है भूमध्य सागरी क्षेत्र, या कभी कभी बात करता है तो इटली। तो हमने देखा कि इसका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में इसका जन्म स्थान क्या होता है। अब आगे देखेंगे होता है कि फूल गोभी में खाया जाने वाला कारण होता है सेनेलिन। फिर उसके बाद में कि फूल गोभी में चरण का कारण ग्लूकोसिनोलेट। तो फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग कार्ड होता है, फूल गोभी में महंगा का कार्ड सेनेलिन, फूल गोभी में चपराट का कार्ड ग्लूकोसिनोलेट होता है। फिर बात आती है कि फूल गोभी के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, तो फूल गोभी में संयुक्त असीमाक्षी पुष्प क्रम पाया जाता है, संयुक्त असीमाक्षी पुष्प क्रम पाया जाता है। इसी को कंबाइंड रेसिमोस भी कहते हैं, कंबाइंड रेसिमोस। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो कंबाइंड रेसिमोस, वैसे संयुक्त असीमाक्षी पुष्प क्रम पाया जाता है। अब हम आगे देखें
की जलवायु। तो अब हेडिंग डालेंगे जलवायु या क्लाइमेट। तो सबसे पहले इसकी खेती के लिए, इसकी खेती के लिए ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें ये नहीं, ये तो पूछा ही जाता है कैसी कोई फसल है, कैसी खेती की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बीज के अंकुरण के लिए या बीज के उचित जमाव के लिए, बीज के उचित अंकुरण के लिए पंद्रह से बीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त या अच्छा माना जाता है। तो फूलगोभी की खेती के, फूलगोभी के बीज के अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी मृदा की, इसकी खेती के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है। तो मृदा या सॉइल, या सबसे पहले अगर बात करें इसकी खेती के लिए, तो इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा है दोमट या बलुई दोमट। दोमट भी आ सकता है या बलुई दोमट में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। लेकिन जो पीएच मान पूछा जाता है कि इसकी खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो भैया पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 6.6। ये 7 तक भी हो सकता है, मतलब लगभग 6.8 तक हो सकता है। होता क्या, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाता है कि पीएच मान कितना होना चाहिए, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि किस मृदा की दशा कैसी होनी चाहिए, तो अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि जिनका पीएच 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक होते हैं क्षारीय होते हैं, और 7 होता है तो उदासीन होता है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है भैया कि कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, तो अम्लीय मृदा की। देखो पीएच 7 से कम है तो इसे कहेंगे हम अम्लीय मृदा। फूलगोभी की खेती के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है भैया, अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद देखेंगे हम प्रजातियां या वैराइटीज। तो सबसे अगली हेडिंग डालेंगे प्रजातियां। प्रजातियों में सबसे पहले डालेंगे बहुत अगेती प्रजातियां, बहुत अगेती प्रजातियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अर्ली एक। सबसे पहले कुंवारी, फिर नंबर दो कुंवारी 327, फिर अगली है कुंवारी 351, यस 234। ये प्रजातियां कैसी हैं, ये प्रजातियां बहुत अगेती प्रजातियां हैं। उसके बाद हम देखेंगे
अगेती प्रजातियां, नंबर दो अगेती प्रजातियां, या इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली वैरायटी, तो नंबर एक उषा दीपाली, नंबर दो उषा कार्तिकी, नंबर तीन 75 1C, 75 2C और 75 4C, और एक और प्रजाति है जिसका नाम है पंत गोभी 4, पंत गोभी 4। तो ये भैया कैसी प्रजातियां हैं? उषा दीपाली, उषा कार्तिकी, 75 1C, 75 2C, 75 4C और पंत गोभी 4, ये कैसी प्रजातियां हैं? ये अगेती प्रजातियां हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य प्रजातियां, नंबर तीन मुख्य प्रजातियां, मुख्य प्रजातियां या इंग्लिश में बोले तो मेन वैरायटीज, मुख्य प्रजातियों की बात करें तो नंबर एक उषा सिंथेटिक, पंत शुभ्रा, उषा शुभ्रा, पंत शुभ्रा है ये भैया भ्रा शुभ्रा, पंत शुभ्रा, उषा शुभ्रा, जापानी ब्रूट, जापानी इम्प्रूव्ड, फिर पंत शुभ्रा, उषा शुभ्रा, उषा सिंथेटिक, जापानी ब्रूट, ये भैया कैसी प्रजातियां हैं? ये प्रजातियां मुख्य प्रजातियां हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे पछेती प्रजातियों की, पछेती प्रजातियों, पछेती प्रजातियों को इंग्लिश में बोलते हैं लेट वैरायटी, तो सबसे पहले उषा हिमज्योति, नंबर दो इस्नोवाल 16, इस्नोवाल 16, उषा इस्नोवाल 1, उषा इस्नोवाल 1 और उषा इस्नोवाल 2, तो ये प्रजातियां कैसी हैं? ये भैया पछेती प्रजातियां हैं। तो हमने देखा कि फूल गोभी के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, बलुई दोमट या दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जलवायु की कैसी आवश्यकता होती है, तो ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, उसके बीच के अंकुरण के लिए पीएच को अंकुरण को तापमान कितना होना चाहिए, तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिर हमने देखा कि प्रजातियां, तो सबसे पहले बहुत अगेती प्रजातियां, अगेती प्रजातियां, फिर प्रमुख प्रजातियां और पछेती प्रजातियां। तो हमने आज तक हम यही पढ़ेंगे, केवल इतना ही पढ़ेंगे कि कितनी प्रजातियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम अपने अगले सेशन में इसमें कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं, ये कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।